तो कल हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू अपना लिया है IS-16 का, ठीक है। हमने ये देखा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कुछ हमने खास डेफिनेशंस देख ली, जिस नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेल्फ, यूजफुल लाइफ क्या होती है, रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है। तो हमने इंट्रो में जो फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स के बारे में पढ़ा था, अब हम उससे थोड़ा सा एडवांस स्टेज पर आ गए हैं, अब हम एडवांस लेवल पर आ गए हैं, ठीक है। अगर आप जवाब नहीं है क्लास में चले वैसे जी, तो आपके पास, मैंने इतनी बात आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करनी थी कि आपके पास IS-16 की जो मेजरमेंट जो पॉलिसीज है, अकाउंटिंग है, अदर वर्ड्स, उसको हमने दो स्टेप्स में डिवाइड करना है, राइट। एक आपके पास क्या था, इनिशियल मेजरमेंट। तो अब हम इनिशियल मेजरमेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे। इनिशियल मेजरमेंट का क्या मतलब है, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एट द टाइम ऑफ परचेज क्या करना है, किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, राइट। एक्विजिशन परचेज, ठीक है, एक्विजिशन या परचेज ऑफ एन एसेट। और दूसरा हमारे पास था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हम बाद में करेंगे, ठीक है। ऑर्डर से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। दिस इज सब्सिक्वेंट टू आपका परचेज, राइट। तो परचेज के टाइम पे कल मैंने आप लोगों को लिखवा दी थी बात कि परचेज के टाइम पे हमने सारा काम करना है एट कॉस्ट। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं, कल बस हमने ऐसे ही इसको बस पढ़ लिया था, देख लिया था, हमें इतनी बात समझ में आई नहीं कि एट कॉस्ट का मतलब क्या है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि परचेज के टाइम पे, ये बात याद है, डेप्रिसिएशन करते हुए हमने इंट्रो में ये बात जरूर पढ़ी होगी कि आपके पास जो आपने एसेट अक्वायर किया है, एसेट आपने खरीदा है, उसकी कॉस्ट क्या है। सिर्फ ये नहीं होता कि जी वी परचेज ऑफिस मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख, सही है। इट इज नॉट एज सिंपल, राइट। आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इधर हम ये याद रहे, हम इनिशियल मेजरमेंट है, ताकि अगर कोई आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई आपसे बात पूछे तो आपको कैसे इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट की बात हो, आपके क्लियर हो जाए। अच्छा, इनिशियल मेजरमेंट में हमने क्या करना है, हमने पहली चीज जो पढ़नी है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये कोई भी आइटम हो सकता है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। तो आपके पास ये जो टर्म है कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कॉस्ट ऑफ एन नॉन करेंट एसेट, हमने 1 लाख रुपए का खर्चा इधर किया मशीनरी को खरीदते हुए, हमने हमारे हम कहते हैं ना, हम एसेट की कॉस्ट है इतनी, राइट। उसके ऊपर में हमने इंट्रो में देखा था कि हम डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो ये जो टर्म है कॉस्ट का, जो वैल्यू है कॉस्ट की, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए पूरा लंबी चौड़ी सी कैलकुलेशन आपके पास आ सकती है। या तो सवाल में आपको कॉस्ट गिवन होगा, या आपको क्या दिए होंगे, कंपोनेंट्स दिए होंगे, डिफरेंट चीजें दी होंगी, और आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक दफा पहले नोट कर लेते हैं सारा, फिर एक एक करके आइटम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, प्लस ट्रेड डिस्काउंट,
कॉपी कर रहे हैं सारे? ठीक है, सब कॉपी कर रहे हैं, चलो देखते नहीं। डिस्टॉर्शन है, वैसे मैं अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ इतना ज्यादा, सबको डिस्टॉर्शन हो रही है, सिर्फ मिथुला की है। ठीक है सबके लिए, बाकी सबके लिए बिल्कुल ठीक है, सबकी डिस्टॉर्शन है। जी अब बेहतर हुई है? अच्छा चलिए ठीक है, मैं अभी अपना माइक चेंज कर रही हूँ, आप लोड कर लें जब तक, ठीक है? चले जी, अब मेरे हाथ से बेहतर है? ठीक है चले गुड, जल्दी से इसको करते हैं। बस दो और रहते हैं, हाँ जी, किसी को आइडिया है एक क्या इंपॉर्टेंट चीज रहेगी? है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
estimated dismantling costs, right? Yaad hai? और आखिर में हम एक लाइन मेंशन कर देते हैं, ऊपर हमें जितनी लिखी वो सारी स्पेसिफिक सिनेरियो से स्पेसिफिक कॉस्ट थी, आखिर में हम एक लाइन लिख देते हैं ऑल अदर कॉस्ट नेसेसरीली इनकर्ड। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस, स्टैंडर्ड की भी शायद फेवरेट लाइन है, ठीक है। नेसेसरीली इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू ब्रिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन टू द इंटेंडेड वर्किंग कंडीशन कह रहे थे इसको। राइटिंग समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं अभी रीड आउट करती हूँ उनको, ठीक है। और इस तरह करके हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट हमारा हो जाता है कंप्लीट, सही है। चलें अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं सारे आइटम्स को। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है परचेज प्राइस या इनवॉइस वैल्यू। ये वो अमाउंट है, अच्छा इसको करने से पहले जरा एक चीज देख लें, ठीक है। IS-16 के हिसाब से, यानी कि जो हम कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, इसमें अगर आप नोट करें तो हमने कंस्ट्रक्शन का भी जिक्र किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट में वो सारे एसेट्स शामिल होते हैं जो कि या तो आपने परचेज किया हो, राइट, बने बनाए खरीदे हो, या क्या किया है उनको कंस्ट्रक्ट करवाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिजनेस ने बिल्डिंग खरीद भी सकता है वो रेडीमेड हालत में, और एक बिजनेस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट भी करवा सकता है, राइट। तो इसमें हम दोनों चीजों के जो कंपोनेंट्स हैं हम उनको देखेंगे, जिसमें जो भी चीज एप्लीकेबल होती है तब यहाँ पर आ जाते हैं। परचेज प्राइस या इनवॉइस वैल्यू, ये आपको ज्यादातर नजर आएगी अक्वायर्ड एसेट में, परचेज नॉन करेंट एसेट में, परचेज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वैसे आपको कंस्ट्रक्शन में भी नजर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी परचेज की, तो जो सप्लायर है उस मशीनरी का जिससे मैं वो मशीनरी खरीद रही हूँ, वो उसको मुझे जो पेमेंट करनी पड़ेगी, वो जो कॉस्ट होगी, उसने जो चार्ज मुझे किया होगा, उसको मैं जान दूंगी परचेज प्राइस। इज दैट क्लियर? उसकी जो लिस्ट प्राइस है ये भी जरा नोट कर लें, लिस्ट प्राइस। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक अपने सप्लायर के पास जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि जी मुझे मशीनरी ए खरीदनी है, और वो मुझे सप्लायर कहता है कि ठीक है जी मशीनरी ए जो है ना मैं बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपीज का, राइट। तो उसने मुझे क्या बता दिया, उसने मुझे बता दिया लिस्ट प्राइस। उसने मुझे लिस्ट प्राइस वही होती है, ये आपको लिस्ट प्राइस की एग्जाम्पल मैं इस तरह दू, अगर आप लोगों में से कोई सब्जी वगैरह लेने गया है कभी, ठीक है, और अगर आपके सब्जी वाली दुकान पे उन्होंने वो एक छोटा सा चॉक बोर्ड उन्होंने लगाया होता है या उन्होंने चार्ट पेपर लगाया होता है, वैसे अभी तो बहुत कम इस में नजर आता है, लेकिन नॉर्मली जो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह सब्जी फरोश फिक्स हुए हुए होते हैं, वो लोग इस तरह की लिस्ट प्राइस लगाते हैं कि जी आलू इतने का, प्याज इतने का, फलाना इतने का, फलाना इतने का। तो वो बेसिकली टर्म लिस्ट प्राइस इसी चीज से निकला है कि जो सप्लायर की डेजिग्नेटेड जो प्राइसेज हैं वो ये हैं, राइट। अब बात ये आती है कि सप्लायर जो है उस प्राइस से ऊपर नीचे भी हो सकता है, डेविएट कर सकता है, किस सेंस में। फॉर एग्जाम्पल अगर आलू फॉर एग्जाम्पल वो देता है 100 रुपए किलो के, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता कितने रुपए किलो के आता है, ठीक है, 100 रुपए पर किलो है अगर फॉर एग्जाम्पल, और अगर उस सप्लायर का, उस सब्जी फरोश का कोई जानने वाला आ जाता है उससे आलू लेने के लिए, तो हो सकता है वो उसको कोई डिस्काउंट भी दे दे, राइट। तो अब ये क्या सिचुएशन है, लिस्ट प्राइस इज समथिंग एल्स और डिस्काउंटेड प्राइस इज समथिंग एल्स। अब अगर वो किसी और किसी को 95 पे बेच रहा है तो इसका क्या मतलब है, 5 रुपीज उसने क्या दे दिया, उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आइडिया है सबको, देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, राइट।
तो इसमें हमने कौन सा लेना है? हमने लेना है ट्रेड डिस्काउंट, जिसका ऑल्टरनेटिव नाम बल्क डिस्काउंट भी है, ठीक है। तो जो लिस्ट प्राइस है, जो इनवॉइस प्राइस है, वो आपने लिखनी है यहाँ पे, और उसमें से आपने अगर आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो आपने वो माइनस कर देना है। इज दैट क्लियर? तो आगे हम आते हैं। मैंने आप लोगों को ये बात बताई भी है कि सिर्फ एक ही टाइप ऑफ खर्चा इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, इसमें आपको बहुत सारी टैक्सेस और ड्यूटीज वगैरह भी पे करनी पड़ती है। खासतौर पर अगर आप कोई चीज इम्पोर्ट कर रहे हो, आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कोई आइटम अगर बाहर से मंगाया है, तो पोर्ट अथॉरिटीज पे आपको ड्यूटीज पे करनी पड़ेंगी, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। इवन अगर मैंने सिंध से कोई चीज मंगाई है, तो हो सकता है मुझे प्रोविंस पे कोई कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ जाए, राइट। तो मैंने 3 लाख रुपए की इनवॉइस प्राइस थी, फॉर एग्जाम्पल, अपने साथ साथ एक एग्जाम्पल भी बनाते रहते हैं। सप्लायर ने कहा था कि ये जो मशीनरी ए है, ये मैं बेचता हूँ 3 लाख रुपए का, लेकिन आपको मैं एक ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, कितने का? 50,000 रुपीज का, ठीक है। तो आपने लिस्ट प्राइस लिखी और आपने उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया। अब आपके पास एक और सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने वो खरीद ली और आपको खरीदते हुए कुछ ड्यूटीज या टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं पहले टैक्सेस एंड ड्यूटीज के बारे में, क्या परसेंटेज है, किस हिसाब से टैक्स होता है, इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, सवाल में आपको गिवन होगा, ठीक है। आपको कोई टैक्स की फिगर हो सकता है वो परसेंटेज बता दे, लेकिन आपको ये कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कितना परसेंट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, दैट्स एंटायरली सारा लीगल एस्पेक्ट होता है, ठीक है। अकाउंटिंग के लिए हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि क्या वो टैक्सेस या वो ड्यूटीज, क्या वो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। अब रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल को देख लेते हैं। रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ये टैक्सेस और ड्यूटीज आप किसको पे कर रहे होते हैं? गवर्नमेंट को, भले प्रोविंशियल भले फेडरल, राइट। तो ये टैक्सेस एंड ड्यूटीज आप पे कर रहे हो गवर्नमेंट को। कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट बाद में आपको कर देती है रिफंड, वापस कर देती है, ठीक है। उसके अलग रूल्स हैं, वो टैक्स में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे टैक्सेस एंड ड्यूटीज होते हैं जो कि गवर्नमेंट आपको कभी भी वापस नहीं करेगी। आपके पास से पैसे गए, आपका खर्चा हुआ, बस हुआ। तो रिफंडेबल में क्या होता है, आपने फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जनवरी को मशीनरी खरीदी है, तो आपने टैक्स पे कर दिया 1 जनवरी को, लेकिन अगर वो रिफंडेबल टैक्स है, तो हो सकता है साल के आखिर तक आपको वो पैसे वापस मिल जाए। तो अब करना क्या है, अगर हम बिल्कुल लेमैन टर्म्स में देखें, बहुत ही सिंपल टर्म्स में देखें, तो रिफंडेबल टैक्सेस असल में हमारी डेट से कुछ गया तो नहीं ना, 1 जनवरी को भले गया, लेकिन वो बाद में हमें मिल भी रहा है वापस। तो इन रियल टर्म्स हमारा खर्चा कौन से वाला टैक्स है, ऐसा टैक्स, ऐसी ड्यूटी जो कि क्या हो, नॉन रिफंडेबल हो। इज दैट क्लियर? रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल समझ आ गई? तो रिफंडेबल ड्यूटीज और टैक्सेस इन रियल टर्म हम कहेंगे हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो हमें बाद में रिकवर हो जाएगा। तो हमने फिर कॉस्ट पे, कॉस्ट हमारा क्या है, खर्चा, आपकी जेब से पैसे निकले, राइट। और ये सारे आइटम ऐसे होने चाहिए क्योंकि बाद में आप रिकवर नहीं कर सकते, राइट। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज हम पे करते हैं, तो वो उसकी फिगर हमने कॉस्ट में एड करनी है, बिल्ड करनी है, रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज को यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल एक ये आ जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज या एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है, सही है। अब उन्होंने ये लिखा हुआ, अब आपको पता नहीं चल रहा कि ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो इसके आगे, या चलो ये डिस्क्रिप्शन एडिशनल मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी, ये बाद में लिखवा दूंगी, पहले हम इन सारे आइटम्स को देख रहे हैं। तो ये चीज हमने देख ली कि अगर नॉन रिफंडेबल टैक्स है या ड्यूटी है, तो हमने उसको ऐड करना है, रिफंडेबल होगा तो हमारी लिस्ट में कहीं पे भी नहीं आएगा। फिर आता है आगे ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज इनवर्ड या फ्रेट, ये तीनों इंटरचेंजेबल टर्म्स है। और इनका मतलब क्या है, आपने मशीनरी खरीदी और आपने उसको अपने ऑफिस में लाने के लिए, फैक्ट्री में लाने के लिए ट्रक की कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, ट्रक हायर करना पड़ गया, राइट।
फॉर एग्जाम्पल वो था, वो कराची के पोर्ट पे आया, मैंने उसको इम्पोर्ट किया था मशीनरी को, तो क्या करना है अभी? मैं तो, मेरा तो फैक्ट्री लाहौर में है, तो मैं क्या करूंगी? कराची से लाहौर तक कोई ट्रक वगैरह मुझे हायर करना पड़ेगा, उसके चार्जेस आपके पास आ जाएंगे इसमें, वो भी आपका खर्चा है, कॉस्ट है, राइट? अच्छा, फिर आपके पास क्या आता है? असेंबलिंग कॉस्ट। असेंबलिंग कॉस्ट क्या होती है? काफी ऐसी खासतौर पर ये प्लांट्स और मशीनरी ऐसी होती है कि ये बहुत बड़े साइज की होती है, तो ये बिट्स एंड पीसेस में आती है, टुकड़ों टुकड़ों में आती है, ठीक है? और फिर जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, तब इनको फिर असेंबल किया जाता है, इनको दे आर ब्रॉट टूगेदर, फिर वो जाके इन पर्टिकुलर मशीनरी में की शक्ल में आती है, और फिर उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर असेंबली करते हुए, असेंबलिंग करते हुए अगर आपको कोई लेबर, स्पेशल लेबर हायर करनी पड़ गई, राइट, आपको नहीं आता था, आपके पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि आप उसको असेंबल कर सको, आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ गई, तो वो आप असेंबलिंग कॉस्ट में लोगे, उनको जो पेमेंट करोगे वो असेंबलिंग कॉस्ट में आएगी। इज दैट क्लियर? जी जवाब, आप लेट आए हो, आपको मुझे मैसेज मिल गया था, ठीक है, आप फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना इसको। अभी हम बात कर रहे हैं कॉस्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की, तो आपने इंट्रो पढ़ी हुई है तो आपको ये याद होगी होपफुली, ठीक है। फिर आपके पास आगे है, नहीं इतना ज्यादा नहीं है, अभी हम स्टार्ट ही किया हमने। फिर हमारे पास है साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। एग्जांपल दे देती हूँ साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल ये बात हम अग्रीड है, फैक्ट्री, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना? फैक्ट्री बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आता है, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल जिस लैंड पे मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रही हूँ फैक्ट्री बिल्डिंग को, ठीक है, तो जिस जमीन पे मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाना है ना, वो क्या है? ना हमवार है, राइट? वो ऊपर नीचे हुई हुई है, उसमें दरख्त लगे हुए हैं। वालेकुम सलाम शुमाइला। अच्छा, आपने भी बीच में से ज्वाइन किया है, तो आप भी एक काम ये करना, आप भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग, या असल में आज क्लास के बाद मैं रुक नहीं सकूंगी वरना मैं आप लोगों को करा देती हूँ, आप रिकॉर्डिंग से इसको देख लेना, ठीक है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की, सही है? कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट से मुराद ये कि जब आप एसेट को खरीदते हो, नॉन करंट एसेट को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, तो जब आप उसको खरीदते हो या जब आप उसको कंस्ट्रक्ट करवाते हो, तो आपको क्या करना होता है? डेप्रिसिएशन में याद है ना, हम जब कुछ चीज खरीदते हैं तो हम कॉस्ट एसेट का अकाउंट डेबिट करके पेबल या बैंक क्रेडिट करते हैं, तो एसेट का अकाउंट जो आपने डेबिट करना है खरीदते हुए या कंस्ट्रक्ट करवाते हुए, तो वो किस वैल्यू पे करना है? वो एक आपको फिगर हमने इंट्रो में, तो हमें सवाल में गिवन होता था, बल्कि इंट्रो में भी हम ये बात पढ़ चुके हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में हमें गिवन होता था कि जी कॉस्ट ऑफ द एसेट इतना है, अब आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, राइट? तो वो कॉस्ट ऑफ द एसेट कैसे कैलकुलेट हुआ, वो पूरी एक लिस्ट है, वो मैं आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? मैं स्क्रीन छोड़ के चली जाऊंगी, यू कैन कॉपी इट, या आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख लेना। तो हम उसके तीसरे चौथे आइटम पर आ गए, ठीक है? अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि फैक्ट्री साइट रिस्टोरेशन चार्जेस क्या होते हैं। तो आप जाहिर सी बात है, मैंने उस जमीन पे बिल्डिंग मैंने कंस्ट्रक्ट करनी है, फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, तो मुझे उस बिल्डिंग को क्या करना होगा? उसकी सतह को हमवार करना पड़ेगा, दरख्त वगैरह कटवाने पड़ेंगे, अगर उससे पहले उसके ऊपर पहले ही कोई बिल्डिंग थी उसको मुझे ढाना पड़ेगा, राइट? उसमें भी खर्चा आता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है, ऐसा कोई सिनेरियो है कि साइट को प्रिपेयर करने के चार्जेस, तो वो आपका उस बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। बिल्डिंग वॉज आर एसेट, राइट? उस एसेट को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए हमने साइट प्रिपेरेशन चार्जेस पे किए, तो वो हमारे कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? सुमाइला, जवाब आपको भी क्लियर हो रहा है? मैं ये बात कर रही हूँ कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, सही है। फिर आपके पास आ जाते हैं आगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल ये है कि जब हम फॉर एग्जांपल अपना स्प्लिट एयर कंडीशनर परचेज करते हैं, स्प्लिट एसी परचेज करते हैं, तो हम में से बहुत कम लोग होंगे जो उसको खुद से इंस्टॉल भी कर सकते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कोई बंदा आता है दुकान वाला, खरीद तो लिया हमने उसकी पेमेंट पे कर ली, और हो सकता है हमें किसी को बुलवाना पड़ जाए, राइट, कि आप जाके इंस्टॉल हमें कर दो। तो अगर हम इंस्टॉलेशन के अलग से चार्जेस पे कर रहे हैं, तो वो हमारे इंस्टॉलेशन कॉस्ट में हमारी कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बन जाएंगे, राइट? लेकिन अवे नॉट टॉकिंग अबाउट इतना छोटे लेवल पे, वी टॉकिंग अबाउट बड़े लेवल पे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, राइट? फिर आपके पास बात आती है प्रोफेशनल और लीगल फीस की।
तो इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर उसी की बात करते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग की, एग्जाम्पल के लिए मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, तो क्या होता है हम कंस्ट्रक्शन से पहले आर्किटेक्ट की हेल्प लेते हैं, है ना, आर्किटेक्ट को की हेल्प लेते हैं, हम बोलते हैं कि जी हमारा हमें नक्शा बना के दो, तो आर्किटेक्ट हमें मुफ्त में तो काम नहीं करके देता, वो हमारे से क्या चार्ज करता है, एक फीस चार्ज करता है। एंड आर्किटेक्ट क्या है, आर्किटेक्ट इज अ प्रोफेशनल। तो इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आर्किटेक्ट की फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो जब अल्टीमेटली मैं बिल्डिंग की अकाउंटिंग करने जाऊंगी इनिशियल रिकग्निशन में, इनिशियल मेजरमेंट पे, तो मैं जो फीस पे की होगी वो मेरा एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो मेरे एसेट का पार्ट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप ये नहीं कहोगे कि जी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जी आर्किटेक्ट एक्सपेंसेस या आर्किटेक्ट फीस के नाम पे चार्ज आप कर दे, नहीं, आपने क्या करना है, जिस एसेट के लिए आपने वो फीस पे की, आपने उसको बेसिकली क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि किसी भी अमाउंट को कैपिटलाइज करना। सवाल यही आता है कि खर्चा है, खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, आर्किटेक्ट की फीस, प्रोफेशनल फीस, ये सारी चीजें हमारी क्या है, These are all capital expenditures. Taxes pay करना, अगर refund, non-refundable है तो वो expense नहीं है, वो asset है। Transportation अगर pay की, expense लग रहा है ना, charge है, आपने pay किया transportation expense, लेकिन इस scenario में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा asset, अगर ये किसी asset को acquire करने के लिए आपने इनकार किया। Is that clear? Assembling cost, site preparation, installation, जी सबको clear है, okay करते जाए जल्दी से, ओके या नो, अपना इश्यू जो भी, वेरी गुड, चले। तो प्रोफेशनल और लीगल फीस में भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सवाल में आपको गिवन होगा, हो सकता है ना ही हो सिनेरियो में, लीगल फीस से मुराद है कि अगर आपको किसी अथॉरिटी को पेमेंट वगैरह करनी पड़ जाए, राइट। अच्छा, फिर आपके पास आता है एम्प्लॉई कॉस्ट। एम्प्लॉई कॉस्ट से क्या मुराद है, लेबर, अगर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, प्लांट आपने कंस्ट्रक्ट करवाया, आपने जाहिर सी बात है लेबर को पेमेंट की होगी जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मजदूर, राइट, तो वो आपकी बिल्डिंग का पार्ट बन जाएगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, अभी एक ऐसी चीज है जो कि हमें थोड़ी सी डिस्कस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए बेहतर है कि ऑब्वियसली हम कोई एग्जाम्पल बना लें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कराची से एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, तो कराची के और सिंध के हालात चल रहे हैं बड़े खराब, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह की पीस है, राइट, तो अगर सिंध के हालात बड़े खराब चल रहे हैं, बड़ी स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो मुझे तो बड़ी परेशानी होगी। और पिछले दिनों हमने सुना भी था, पिछले सालों में बल्कि, कि वो ट्रक्स आ रहे होते थे, उनको उठा के तो अगवा कर लेते थे या जला देते थे, राइट। तो अब मैंने तो एक मशीनरी खरीदी और मैं कहाँ बैठी हूँ, मैंने तो लाहौर में मंगवानी है वो, तो अब मुझे तो टेंशन लगी रहेगी कि भाई मेरी मशीनरी कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं ट्रक को कोई आग ना लगा दे। तो एक तो ये है कि मैं एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो अलग पे कर ही रही हूँ, साथ ही मैं क्या करूंगी, इन ट्रांजिट का क्या मतलब है रस्ते में, ठीक है, इन ट्रांजिट का मतलब है रस्ते में। तो रस्ते का जो पूरा सफर है ना कराची से लाहौर तक का, उस सफर को भी मैं, उस जर्नी को भी मैं इंश्योर करा सकती हूँ। आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज है मुख्तलिफ, वो आपको इंश्योरेंस इन ट्रांजिट की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो उसमें होता क्या है, आप अपनी मशीनरी को उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक वो लाहौर नहीं पहुंच जाता, जैसे ही वो कराची से निकलेगा, टिल द टाइम इट रीचेज लाहौर, वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट में कवर हो जाएगा। अब इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंश्योरेंस का अगर किसी को आइडिया नहीं है, इंश्योरेंस का क्या मतलब है, क्या फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, एक्सपेक्टेड आपको कोई डर है, खौफ है स्ट्राइक का या किसी चीज का भी, तो आप क्या करा लो, अपने असासों को, अपने रिसोर्सेस को आप इंश्योर करा सकते हैं, INSURE, राइट, आप इंश्योरेंस लेते हैं, राइट। अब वो हलाल है हराम है, दैट इज अनदर डिफरेंट टॉपिक, लेकिन अकाउंटिंग हम उसकी सीख रहे हैं कि अकाउंटिंग में क्या करेंगे उसको, इंश्योरेंस की तो अकाउंटिंग में नहीं सिखा रही। अब इंश्योरेंस में, अच्छा मुझे अब आदत होगी दो एरोज बनाने की, तो मैं दो एरोज बना देती हूँ, ठीक है। अब इंश्योरेंस के लिए आपको एक टर्म से फेमिलियर होना पड़ेगा, प्रीमियम, PREMIUM, PREMIUM। तो
तो आप क्या करते हो, डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे करते हो. ये होती है नॉर्मली एनुअल पेमेंट्स, ठीक है, एनुअली आप पे करते हो. अब यहाँ पर आपको एक बात जरा गौर करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस मुख्तलिफ टाइप्स की होती है, ठीक है. यहाँ पे जरा मुझे लिस्ट में देख के बताएं कोई और टाइप ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पे आ रही है. नहीं, सिर्फ कौन सी इंश्योरेंस आ रही है, इन ट्रांजिट वाली. तो अब जरा मैं आपको बता दूं इंश्योरेंस और कितनी किस्मों की होती है. वैसे तो बहुत सी होती है, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है. एक मैं आपको बता देती हूँ, एक हम बात कर रहे हैं इन ट्रांजिट की, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक और टाइप ऑफ इंश्योरेंस है फायर इंश्योरेंस, ठीक है. तो मैंने क्या कर दिया, हमने क्या किया, बाकी सारी इंश्योरेंस को हम अलग ट्रीट कर रहे हैं और एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस को हमने अलग कर दिया. हमने कहा इन ट्रांसिट अलग है, फायर इंश्योरेंस एंड अदर्स. अदर्स में बहुत है, फिडेलिटी इंश्योरेंस होता है, थेफ्ट के अगेंस्ट इंश्योरेंस होता है, उसको पता नहीं क्या नाम देते हैं, राइट. बट देयर सो मेनी डिफरेंट काइंड, राइट. अब इंश्योरेंस में इतनी तो बात आपको पता लग गई कि आपको जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल पता है किसी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, आलियांज इंश्योरेंस, EFU इंश्योरेंस, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, वेरी गुड. तो आपको क्या करना होता है, आपको इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम पे करने पड़ते हैं. तो बेसिकली ये हमारा खर्चा है ना. अब हम इस प्रीमियम के बारे में बात कर रहे हैं, अगर तो वो प्रीमियम है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट के लिए, ऐसी इंश्योरेंस के लिए जो कि आपने ली है उस सफर के लिए, सिर्फ उस जर्नी के लिए, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए. और वो कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है, जब से जब तक वो मशीनरी मेरे प्रेमिसेस पे पहुंच नहीं जाती, जहां पे मैं उसको चाहती हूँ, जहां पे मैं उसको पहुंचाना चाहती हूँ. तो तब तक अगर मैं कोई इंश्योरेंस इन ट्रांजिट के लिए प्रीमियम पे कर रही हूँ, तो मेरा वो क्या होगा, वो मेरा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो मेरे एसेट के कॉस्ट का पार्ट बनेगा. अब हम बात करते हैं फायर इंश्योरेंस की, ठीक है, सिंपलर टू अंडरस्टैंड. फायर इंश्योरेंस और बाकी सब क्या होते हैं कि मशीनरी अब पहुंच गई मेरे प्रेमिसेस पे, ठीक है, फैक्ट्री में मेरी मशीनरी पहुंच गई. अब ऑब्वियसली अब फैक्ट्री में इतनी ज्यादा वायरिंग है और इलेक्ट्रिसिटी का काम है, तो मेरे पास एक ये वो होता है, एक रिस्क होता है कि यू नो कि आग लग जाए, राइट. अब अगर आग के अगेंस्ट मेरा कोई लॉस होगा, मैंने उससे अपने आप को बचाने के लिए क्या करा लिया, इंश्योरेंस. बेसिकली इंश्योरेंस में होता है क्या, अगर इन ट्रांजिट फॉर एग्जाम्पल आपने इंश्योरेंस कराई हुई है मशीनरी, इंश्योरेंस कराने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी मशीनरी को कुछ नहीं होगा, नहीं, ये कुछ नहीं है. आपने इंश्योरेंस करवा ली, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रस्ते में इन ट्रांजिट अगर मशीनरी को कुछ हो जाए, डैमेज हो जाए या स्टील हो जाए या जो भी हो, आग वाग लगा दी जाए उसको, तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको मशीनरी के पैसे दे देगी. इज दैट क्लियर. किसी भी टाइप ऑफ इंश्योरेंस में ऐसा होता है. इंश्योरेंस क्या है, आपको रिस्क जो लॉस होना है वो तो होना है, राइट. लेकिन जितना आपका लॉस होगा आपको पैसे उसके उसके इक्वल या उसके थोड़े बहुत उसके अराउंड मिल जाएंगे, ठीक है. जरूरी नहीं है पूरे मिले, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊंच नीच हो उसमें, ठीक है. तो अब इन ट्रांजिट में तो हमने देख लिया कि हमने इंश्योरेंस कराई थी कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे रस्ते में ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी. या क्या हुआ, मशीनरी मेरी पहुंच गई फैक्ट्री में, ट्रांजिट खत्म हो गया ना उसका, इट इज नो लॉन्गर इन ट्रांजिट, पहुंच गया डेस्टिनेशन पे. अब मेरे पास क्या रिस्क है कि भाई कोई चोरी ना कर जाए, आग वाग ना लग जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए. तो अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा. तो मैंने क्या करा ली, फिर मैंने फायर इंश्योरेंस करा ली, राइट. फायर इंश्योरेंस मैंने करा ली. अब अगर खुदा ना खास्ता प्रेमिसेस पे आने के बाद उसमें आग लग जाती है तो जितने का लॉस होगा मुझे इंश्योरेंस कंपनी वो पे कर देगी. सिस्टम समझ में आ गया. लेकिन अब जो मैं प्रीमियम इसके लिए पे करूंगी फायर इंश्योरेंस के लिए, भले लॉस हो ना हो, मुझे प्रीमियम तो पे करना है, ठीक है. तो फायर इंश्योरेंस के अंडर अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी का कोई प्रीमियम पे करती हूँ तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो मेरा एक्सपेंस होगा. तो आपने एक कट ऑफ रखना है, वो मैं आपको बताऊंगी. एक चीट है, चीट नहीं एक टिप है, बात क्लियर हो गई. तो अगर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है तो उसका प्रीमियम जो है वो आपने रिकॉर्ड करना है द कॉस्ट. और अगर इंश्योरेंस कोई दूसरी है, फायर इंश्योरेंस है, फिडेलिटी है,
जो भी है वो आपने कॉस्ट में नहीं लेके जानी। क्लियर हो गई बात? चीट में बाद में बताऊंगी, चीट में बाद में बताऊंगी, वो सारी चीजों के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, अब आगे आता है डेप्रिसिएशन ऑफ अनदर एसेट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दी एसेट। दी एसेट से मना दिए वो वाला एसेट जो कि हमारे पास मौजूद है। मतलब क्या हुआ? बड़ा अजीब सा ही है। डेप्रिसिएशन ऑफ अनदर एसेट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, इसका क्या मतलब हो गया? इधर देख लें, इसमें कंस्ट्रक्शन की बात हुई है। फॉर एग्जाम्पल, वही बिल्डिंग सबसे अप्रोप्रिएट मुझे लगता है एग्जाम्पल इसमें, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नॉर्मली बिल्डिंग की होती है, फैक्ट्री की हो या प्लांट जो भी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी थी बिजनेस की, ठीक है, और वो थी तकरीबन 20 stories हाई। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे फॉर एग्जाम्पल क्या कराना पड़ गया, वो क्या होते हैं आपके क्रेन्स वगैरह, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन कराने के लिए क्रेन्स को परचेज कर लिया, राइट। अब वो मेरी बिल्डिंग जो है, वो मेरी बिल्डिंग एक साल में कंस्ट्रक्ट नहीं होनी थी, फॉर एग्जाम्पल वो 4 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट होनी थी। तो जब मैंने ये क्रेन को खरीदा, तो अब ये क्रेन की यूजफुल लाइफ मेरे लिए कितनी कितनी हो गई, मोर देन 1 ईयर हो गई, क्योंकि मैंने क्रेन को 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करना था। इधर सब फॉलो करें, मैं सब एग्जाम्पल बना रही हूँ समझाने के लिए, क्लियर है बात? ठीक है, तो क्रेन भी मेरे क्या हो गए, नॉन करंट एसेट हो गए। क्रेन भी मेरी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग ने 4 साल में कंस्ट्रक्ट होना था और क्रेन्स को भी मैंने 4 इयर्स के लिए यूज करना है, यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, ये चीज हो गई। अब क्रेन को इस्तेमाल करना है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में। जब हम बिल्डिंग की कॉस्ट निकाल रहे होंगे ना, बना रहे होंगे, अब क्रेन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, हमने डेप्रिसिएशन पढ़ी भी है, हमें पता है कि नॉन करेंट एसेट की डेप्रिसिएशन होती है फिक्स्ड एसेट की, विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड, राइट। क्रेन की डेप्रिसिएशन भी आप चार्ज कर रहे होंगे। तो अब इस सिनेरियो में क्रेन की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं होगी। इस सेंस में डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां चार्ज आएगा? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में। बहुत सारे एरोज बने हैं, लेकिन समझने के लिए सिर्फ क्या याद करना है, आप अकाउंटिंग कर रहे हो किसकी? बिल्डिंग की। अगर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में कोई और एसेट इस्तेमाल हो रहा है और सवाल में उस एसेट की डेप्रिसिएशन आपको गिवन है, तो आपने उस डेप्रिसिएशन को इस एसेट की कॉस्ट में शामिल करना है। इज दैट क्लियर? परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर हो गया? ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो। जरूरी नहीं है मैं क्रेन को खरीदूं, मैं हो सकता है क्रेन को मैं क्या करूं, रेंट पे ले लूं, है ना, रेंट पे भी तो मैं ले सकती हूँ। कंस्ट्रक्शन मैं करा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मेरे पास क्रेन नहीं है, वो आपको खुद ही रेंट पे लेनी पड़ेगी, मैं कहूंगी ठीक है। अब दोबारा से वही सिनेरियो है, अब मेरी बिल्डिंग है और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने क्या रेंट पे लिया? क्रेन। तो मैं क्रेन का क्या कर रही हूंगी? रेंट पे कर रही हूंगी, वो मेरी ओनरशिप में नहीं है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो होगी नहीं, क्यों? क्योंकि क्रेन मेरी, मेरा अपना एसेट नहीं है, है ना, वो मेरा नॉन करंट एसेट नहीं होगा। तो क्रेन का जो मैं रेंट पे करूंगी, अगेन इस सेंस, इस सिनेरियो में भी वो मेरा रेंट एक्सपेंस नहीं होगा, ये रेंट मेरा बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कहां इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे? बिल्डिंग की कॉस्ट में। यानी कि डबल एंट्री हम क्या पास करेंगे? रेंटल एक्सपेंस पे किया, क्या डबल एंट्री पास की? बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। हालांकि किसका रेंट है? क्रेन का रेंट है, लेकिन बिल्डिंग के अकाउंट में जा रहा है। क्लियर हो गई बात? सेम गोज फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगर करना होगा तो क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बजाय बिल्डिंग डेबिट। ठीक है, तो बिल्डिंग डेबिट एक्सपेंस की जगह आपने बिल्डिंग को कर देना है, बाकी क्रेडिट जो भी हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, कैश हो, पेबल हो, बैंक हो, व्हाट्सो एवर, राइट। लेकिन डबल एंट्रीज आपके कंसर्न में नहीं है, आपने बस ये बात याद रखनी है कि अगर कोई और एसेट इस्तेमाल हो रहा है इस कंसर्न एसेट की कंस्ट्रक्शन में और उसका आप रेंट पे करते हो, तो उसको आपने अपने एसेट की कॉस्ट में शामिल करना है। तो ये
rental of another asset used in construction of the asset. The asset से मुराद building जो हम हमारे जिसकी हम costing कर रहे हैं, जिसकी हम cost calculate कर रहे हैं. Clear हो गई बात? आगे आ जाते हैं. ये मैं चीजें explain इसलिए कर रही हूँ क्योंकि scenario आपके पास given होगा, ये ना कि आप confused हो जाएं, ठीक है? फिर आगे जाके आता है testing cost या trial run cost. Net of sales received of samples produced. क्या मतलब हुआ इसका? ये सिनेरियो आपको नजर आएगा मशीनरी के केस में, प्लांट्स के केस में क्या होगा. आगे जाके हम एक टर्म पढ़ेंगे कमर्शियल प्रोडक्शन करना, यानी कि प्रोडक्शन करना क्या, आप बस अब सेल करना शुरू कर रहे हो, अब अपनी एक्टिविटी शुरू कर रहे हो. होता क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, अब मशीनरी मैंने खरीदी है प्रोडक्शन के लिए ताकि मैं उसे गुड्स प्रोड्यूस करूं. अब हम भी नहीं करते, मोबाइल फोन अगर लेते हैं तो पहले से उसको टेस्ट करते हैं, ट्रायल करते हैं, हाँ जी टच स्क्रीन सही चल रही है, एप्लीकेशन कौन कौन सी है, कैमरा अच्छा है, ठीक ठाक है, हाँ जबरदस्त, चलो ले लो, राइट. तो यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ, मशीनरी अब आपने खरीद लिया, ठीक है, लेकिन उसके उसको फुल्ली इस्तेमाल करने से पहले हमने खरीद ली है, राइट, मशीनरी खरीद ली है, हमने क्या किया, खरीदने के बाद उसको टेस्ट किया कि हाँ जो सप्लायर जिस तरह बोल रहा है क्या ये उसी तरह से चलती है भी या नहीं चलती, राइट. फॉर एग्जांपल सप्लायर ने कहा कि जी ये 24 आवर्स अ डे मशीनरी बगैर गर्म हुए ना ये चलेगी, तो आप क्या करो, आप उसको तीन चार दिन 24 आवर्स के लिए चलाओ लगातार कि हाँ भाई ये जो सप्लायर कह रहा है कि भले आप इसको 24 घंटे भी चलाएंगे गर्म नहीं होगी, हीटअप नहीं होगी और ये प्रोडक्शन अपनी बिल्कुल फिटफाट करेगी, तो क्या वो करती भी है या नहीं करती, राइट. खरीद लिया आपने मशीनरी, अब जाहिर सी बात है अगर वो टेस्ट में फेल हो जाता तो आप रिटर्न कर दोगे, वो डबल एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएंगी, राइट. तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, हो सकता है टेस्टिंग कॉस्ट की बात करें, टेस्टिंग कॉस्ट बेसिकली क्या है, अगर आपको चलाने में ऑब्वियसली फिर आपको सुपरवाइजर को भी खड़ा करना पड़ेगा, उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी आवर्ली कि भाई तुम जरा सुपरवाइज करो इसको, बटन शटन इसके ठीक ठीक करो, तो और एम्प्लॉयज को हायर करना पड़े, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, गैस कंज्यूम होगी, ठीक है. तो इसके अलावा हजारों किस्म की कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती है. तो आपने अगर टेस्टिंग करते हुए या ट्रायल रन करते हुए जो कॉस्ट इनकर की सही वाला इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है, सही वाला अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने कहा कि मैं इसको 100% यूटिलाइज अपने बिजनेस में करने से पहले क्या करूं, जरा टेस्ट कर लूं, राइट, ये कोई गड़बड़ तो नहीं होती, गड़बड़ है तो हम रिटर्न कर देंगे एसेट को, तो वो जो कॉस्ट है वो आपने इसमें ऐड कर देना है. आगे लिखा हुआ है नेट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ सैंपल्स प्रोड्यूस. अब फॉर एग्जांपल आप जब उसको मशीनरी को, वो प्रोडक्शन मशीनरी है फॉर एग्जांपल, कोई भी मशीनरी हो सकती है, टेस्टिंग कॉस्ट या ट्रायल रन कॉस्ट किसी भी एसेट में हो सकता है, लेकिन ये जो प्रोडक्शन है वो फिर प्रोडक्शन मशीनरी के थ्रू हो सकती है. तो फॉर एग्जाम्पल जिसको आप टेस्ट कर रहे हो वो है एक मशीनरी जो कि यूनिट को प्रोड्यूस भी कर रहा है, राइट. अब जब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी फिर होती रहेगी. आप टेस्टिंग कैसे करोगे कि हाँ भाई ये एक मिनट में इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर भी रहा है नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या किया उसमें रॉ मटेरियल भी डाला टेस्टिंग में, तो फिर 100% आपको टेस्ट करना होगा ना उसको, आपने रॉ मटेरियल डाला और एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, यूनिट्स प्रोड्यूस भी हो रहे हैं साथ साथ ही. लेकिन वो यूनिट्स क्या हमने इस नियत से बनाए थे कि बस हम उनको सेल करना शुरू कर देंगे और कमर्शियली अपना एक्टिव हो जाएंगे, नहीं, उनको हम क्या कहेंगे कि फिर वो सैंपल्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो ट्रायल रन के दौरान प्रोड्यूस हुए हैं. तो अब जाहिर सी बात है अगर आपने यूनिट्स प्रोड्यूस कर ही लिए तो फिर आप उसको हो सकता है उनको बेच भी दो, कोई बात नहीं, चलो अच्छा है ये ऐसे ही प्रोड्यूस हो गए तो चलो ठीक है हम इससे पैसे कमा लेते हैं इससे, राइट. तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल करना आपने क्या है, अगर सवाल में आपको गिवन है कि आपने 1 लाख रुपए के का कॉस्टिंग कर किया ट्रायल रन और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ट्रायल रन आपके कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस किए हुए और आपने जब वो यूनिट्स को बेचा तो 20,000 रुपीज का आपको सेल हुई, कैश रिसीव हुआ, तो ये आपके पास क्या आ गए, सेल प्रोसीड्स आ गए. तो आपने करना क्या है, यहाँ पे जो आप फिगर ऐड करेंगे कॉस्ट में वो क्या होगी, 80,000, दिस इज द ट्रू कॉस्ट, राइट. 1 लाख रुपए के आपने खर्चे इनकर किए थे लेकिन उसमें से 20,000 आपको रिकवर हो गए, कैसे रिकवर हुए, वो आपने यूनिट बेच दिए, राइट. तो अब जो आपके पास ट्रू कॉस्ट है
जो कि कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट में जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऐड होगा वो क्या होगा 80,000। इज दैट क्लियर? हो गया क्लियर? बात जल्दी से खत्म करते हैं उसको जी। चलो मैं यहां से एफ आर टू की क्लास भी शुरू हो गई है। फिर आपके पास आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग एंड साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट। अब ये थोड़ा शायद टेक्निकल लगे आप लोगों को। डिसमेंटलिंग करना मतलब आप चीजों को असेंबल करते हो, डिसअसेंबल करने का मतलब डिसमेंटल करना, ठीक है? तो असेंबलिंग करना है शुरू में। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्लांट अपना सेटअप किया, आपने बिट्स एंड पीसेस में चीजें खरीदी और आप उनको फिर यूर असेंबलिंग इट एंड यूर पुटिंग टुगेदर अ प्लांट और आपने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। खासतौर पे प्लांट्स के केस में भी इस तरह से होता है कि प्लांट्स की भी एक लाइफ होती है। ये नहीं होता कि आप उसको 100 साल तक चलाते रहोगे। जैसे होते हैं मशीनरी इन्वॉल्व है, मैन मेड चीज है, तो कभी ना कभी तो खराब होनी है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो प्लांट खड़ा किया हुआ है, फैक्ट्री खड़ी की हुई है, वो पता है आपको कि 10 साल के बाद ये फैक्ट्री खत्म हो जाएगी, मतलब सारा बिल्डिंग शिल्डिंग सब खत्म हो जाएगा, राइट? यानी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। तो आपको ये बात पता है कि 10 साल के बाद, और अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने भी ये बात बोली हुई है कि जब आप अपना फैक्ट्री वाला काम खत्म करो ना, तो आपको डिसमेंटल करना जरूरी है। काफी कंट्रीज में ये रूल भी है कि आप जब काम खत्म कर लो। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, फैक्ट्रीज खड़ी हुई है बिल्कुल आवारा, मतलब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रही, बिल्कुल ही आइडल पड़ी हुई है, लेकिन वो बस खड़ी नहीं है, मतलब खंडर बना हुआ है, राइट? लेकिन आपके पास काफी कंट्रीज में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं करना। अगर आपको जैसे ही काम खत्म होगा आपने उसकी डिसमेंटलिंग करके जाना है, ठीक है? यानी कि आपने वापस से जमीन को वैसे ही कर देना है जैसे फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट होने से पहले उसकी पोजिशन थी। तो उसको कहते हैं डिसमेंटलिंग या साइट रिस्टोरेशन। अब है क्या, हुआ क्या, बिल्कुल आपने उसको बराबर कर देना है जमीन को, राइट? वेरी गुड। अब होना क्या है, ये सारा काम हम कब कर रहे हैं, ये कॉस्टिंग हम सब कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? ये तो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो आज क्या है, आज तो डे जीरो है, हम लोग तो डे जीरो पे खड़े हैं। और ये कितने साल बाद की बात है, तो 10 सालों के बाद की बात है। तो इसमें फिर क्या इन्वॉल्व हो जाता है, एस्टिमेट इन्वॉल्व हो जाता है। और एस्टिमेट क्या आप निकालते हो, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर, राइट? प्रेजेंट वैल्यू निकालना क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू होती है। फ्यूचर वैल्यू में आपके पास इन्फ्लेशन आ जाता है, राइट? इंटरेस्ट आ जाता है, और उसको आप आज की टर्म्स में निकालते हो कि अगर ये डिसमेंटलिंग मुझे आज के दिन करनी पड़ती तो आज के दिन मुझे कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती, राइट? तो आपने एक एस्टिमेट लगाया कि ठीक है जी, 10 साल के बाद मुझे शायद 2 मिलियन रुपीस के खर्चा इनकर करना पड़े डिसमेंटलिंग का। लेकिन अगर ये डिसमेंटलिंग मैं आज कर लेती तो फॉर एग्जांपल मुझे 1.5 मिलियन का करना पड़ता, यानी कि 2 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1.5 मिलियन, राइट? तो आप पहले हिसाब लगाते हो फ्यूचर का और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, उसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल देते हो, इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट निकाल देते हो। बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है। तो क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको क्वेश्चन में एक प्रेजेंट वैल्यू दी जा सकती है और एक फ्यूचर वैल्यू दी जा सकती है। तो आपने क्या पिक करनी है, प्रेजेंट वैल्यू पिक करनी है, ठीक है? कि आज के हिसाब से क्या उसकी वैल्यू बनती है। और इसके अलावा ऑल अदर कॉस्ट नेसेसरीली इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू द इंटेंडेड वर्किंग कंडीशन, ये जो चीज है ना, ये अब आपकी आ जाएगी चीट, राइट? दिस इज द चीट। चीट इन द सेंस एक टिप है छोटी सी। अगर आप नोट करें तो क्या सिचुएशन है, ये सारे कॉस्ट के आइटम, ये कौन कौन से हैं, ये सारे कॉस्ट के आइटम उस पॉइंट से पहले हैं जिस पॉइंट से आप उस एसेट को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अगर गौर करें तो आपके पास, अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं, आपने एक बेंचमार्क बना लेना, एक लाइन खड़ी कर देनी है और आपने ये इस लाइन को कह देना है, इसको टेक्निकल टर्म में भी यही कहते हैं, अवेलेबल फॉर यूज का क्या मतलब है कि बस इस पॉइंट के बाद से क्या सिचुएशन है, बस आप उसको एसेट अब बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ गया
उसमें जितनी हमने इंस्टॉलेशन करनी थी कर ली, इस पॉइंट के बाद से एसेट को आप बिला नावा इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस पॉइंट से पहले जितने भी आप कॉस्ट इनकर करोगे वो आपके होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, मेरे पास अभी एसेट पहुंचा नहीं है लेकिन मैं प्रीमियम पे कर रही हूँ इन ट्रांजिट का, क्योंकि वो एसेट अभी रस्ते में है। क्या वो एसेट अभी मेरा अवेलेबल फॉर यूज हुआ है? नहीं। तो इसका क्या मतलब है, वो जो प्रीमियम मैं पे कर रही हूँ वो इस लेवल का है, इस पॉइंट से पहले का है, तो वो मुझे क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। चलो ठीक है, फायर इंश्योरेंस हो गया। फायर इंश्योरेंस में किस पीरियड में करती हूँ कि वो एसेट मेरे प्रेमिसेस पे पहुंच गया, प्रॉपरली इंस्टॉल भी हो गया और मैं उसको इस्तेमाल करने की हालत में आ चुकी हूँ, एसेट इस पोजिशन में आ गया है कि मैं उसको बस फौरन से इस्तेमाल भी करना शुरू कर दू, तो वो जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है वो इस पीरियड को कवर करता है और उस सिनेरियो में कैपिटलाइजेशन अब खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? अब वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीजें वही है, आर्किटेक्ट की फीस पे करना, अभी तक एसेट कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुआ तो आपने ये कॉस्ट इनकर कर ली थी, अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं था बिल्डिंग में, आप अभी बनेगी तो आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, राइट। तो आर्किटेक्ट की फीस तो आपने उस पॉइंट पे पे की थी कि जब बिल्डिंग में वजूद में नहीं आई थी। इसी तरह अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है, वो भी आपने खरीदी है, अभी आपने सिर्फ उसकी लिस्ट प्राइस पे की है, अभी उसको आपने लेके जाके इंस्टॉल भी करवाना है, असेंबल भी करवाना है, राइट। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इन अदर वर्ड, ये जो आपने हमने आखिरी लाइन लिखी है ना, इसमें अगर ऊपर वाले आइटम्स के अलावा कोई और कॉस्ट आ जाती है तो आपने क्या चेक करना है, इज इट नेसेसरली इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू द इंटेंडेड वर्किंग कंडीशन या नहीं। नेसेसरली के ऊपर भी मैं फोकस कर रही हूँ, बस दो मिनट और देश इसको जरा मैं कंक्लूड कर दू, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी लिस्ट तो आ गई। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या चीजें हैं जो कि हमने स्पेसिफिकली इग्नोर करनी है, एक्सक्लूड करनी है उस लिस्ट में से, ठीक है। ये अब आपने नोट कर लेना है। पहले जो हम ये कहेंगे कि भाई रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज लिखा हुआ होगा ना, वो तो हमने इग्नोर कर देना है ना, वो इस लिस्ट का पार्ट नहीं होगा। रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, अब सवाल ये आता है कि क्वेश्चन में अगर ये रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल ना गिवन हो तो हम क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो अबाउट रिफंडेबिलिटी या नॉन रिफंडेबिलिटी, तो अगर उस टैक्स के आगे ये लिखा हुआ है इनकम टैक्स, ठीक है, अगर तो वो इनकम टैक्स है तो हम उसको अज्यूम करेंगे क्या रिफंडेबल। क्लियर है बात? ठीक है। और अगर वो कोई और टाइप ऑफ टैक्स है या ड्यूटी है तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, नॉन रिफंडेबल। क्लियर हो गई बात? सही है। जी ठीक है, गुड। आगे चलो, इसके अलावा आपके पास फिर कुछ और स्पेसिफिक एक्सक्लूजन हैं। इस पॉइंट में सबसे आखिर में मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑल अदर एसेट्स कॉस्ट नेसेसरीली इंकर्ड, जो कि बहुत जरूरी हैं, जो कि अनअवॉइडेबल है, वो कॉस्ट जो कि आप किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है, ऑल दी अवॉइडेबल कॉस्ट वो हम नहीं इंक्लूड करेंगे इसमें, जो हम शामिल नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एबनॉर्मल कॉस्ट अगर कोई हो जाती है, एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, क्या एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी मेरे प्रेमिसेस पे आ गई, अब वो ट्रक से उतारते उतारते एम्प्लॉइज के हाथ से स्लिप हो गई और गिर गई और मशीनरी में आ गई कुछ खराबी, और फिर मुझे मशीनरी को क्या करना पड़ा, रिपेयर करना पड़ा। अभी तक मशीनरी, मतलब ये बात मैं कह सकती हूँ कि भाई जब तक मैं रिपेयर नहीं कराऊंगी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन सवाल क्या आता है, वॉज इट नेसेसरी, मतलब वॉज इट अनअवॉइडेबल, बिल्कुल अवॉइड हो सकती थी ये कॉस्ट अगर मेरे एम्प्लॉइज क्या होते, केयरफुल होते। बात समझ आ रही है? तो अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है एंड एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल कॉस्ट आपने कोई इनकर की है,
और वो इनकर की है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस. फॉर एग्जाम्पल रिपेयर कॉस्ट, चोरी हो गई, हाँ वो भी आपका एबनॉर्मल है, चोरी हो गया आप उसको अवॉइड कर सकते थे, आप उसकी ठीक तरीके से निगरानी करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी उसके लिए कोई हायर करते हैं या जो भी, उसका ख्याल रखते हैं, उसको लॉक में रखते हैं अगर कोई खास मशीनरी थी तो, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो गया, इसको भी आप नेग्लिजेंस में कह सकते हो. अगर आपने ऐसे ही बाइक छोड़ा हुआ एसेट को तो ऐसी बात है कोई भी आके उठा लेगा, ठीक है. इसके अलावा अगर आपको कोई कॉस्ट इनकर करना पड़ गया है ड्यू टू एनी नेचुरल डिजास्टर, फॉर एग्जाम्पल फ्लड, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, आपको उसको ठीक कराने के लिए रिपेयर कॉस्ट इनकर करनी पड़ गई, तो वो रिपेयर कॉस्ट आपका एबनॉर्मल लॉस होगा, ठीक है. नेग्लिजेंस के अलावा फिर हम थेफ्ट को अलग से लिख देते हैं, कि अगर कोई चोरी वोरी हो गई, ठीक है, और आपको नया कुछ खरीदना पड़ गया, तो आप ये नहीं करेंगे कि भाई आप उसको कॉस्ट का पार्ट बना दे, ठीक है, या रिकवर कराने के लिए आपको किसी को पैसे वगैरह खिलाने पड़ गए, राइट, पुलिस को आपने इन्वॉल्व किया, रिश्वत देनी पड़ गई कि भाई मेरा जरा एसेट गुम गया, जरा जल्दी से ढूंढ के दे दो, और वो ढूंढने के पैसे मांगे, तो वो पैसे जो है वो खर्चा तो है लेकिन वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, राइट. तो एबनॉर्मल कॉस्ट को हमने देख लिया कि हम इसको शामिल नहीं करेंगे. इसके अलावा ट्रेनिंग कॉस्ट भी आपकी स्पेसिफिकली एक्सक्लूड हो जाएगी इस लिस्ट में से. और ट्रेनिंग कॉस्ट से मुराद क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कोई बड़ी हाईफाई सी मशीनरी आपने खरीदी है, ठीक है, कोई सुपर कंप्यूटर खरीदा है फॉर एग्जांपल, अब सुपर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक खास किस्म की नॉलेज चाहिए और आपके एम्प्लॉयज के पास वो नॉलेज नहीं है, तो एम्प्लॉयज को आपको क्या कराना पड़ गया, ट्रेन कराना पड़ गया, तो ट्रेनर की आपने कॉस्ट बेयर कर ली, तो क्या वो कॉस्ट अभी सुपर कंप्यूटर की एसेट में कॉस्ट में एड होगा, बिल्कुल भी नहीं एड होगा, क्यों, इसको भी आप एक किस्म का नॉर्मल समझे, इसको भी ये समझेंगे नेग्लिजेंस की वजह से ना, आपने अपने एम्प्लॉयज को इतना अप टू डेट रखा हुआ ही नहीं है. समझाने के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ, तो ये ट्रेनिंग कॉस्ट भी क्या है, अवॉइडेबल कॉस्ट है, दिस इज नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इन द वर्किंग कंडीशन. जब तक एम्प्लॉयज ट्रेन नहीं होंगे तब तक वो काम ऑपरेट नहीं कर सकेंगे उस एसेट को, लेकिन सवाल ये आता है वाज इट अवॉइडेबल, अगर इसका आंसर आता है यस, तो इसका मतलब है कि इसको आपने एक्सक्लूड करना है, इसको आपने कॉज का पार्ट नहीं बनाना, इज दैट क्लियर. तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपरली अप टू डेट रखते तो शायद ये ट्रेनिंग कॉस्ट कराने की जरूरत ही ना पड़ती, राइट. इसके अलावा कैश डिस्काउंट को हमने इस लिस्ट में नहीं लिया है ना, कैश डिस्काउंट तो पेमेंट से रिलेटेड है और कैश डिस्काउंट के ऑल्टरनेटिव टर्म्स यहाँ पे लिख लें, अगर किसी को इंट्रो से भूल चुके हैं तो उनको याद रहेंगे फिर इंशाल्लाह. कैश डिस्काउंट को सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं और अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं, ठीक है. और इसके अलावा अगर आपने नोट किया हो, इसमें मैंने कोई ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जनरेटर की फीस, छोटे मोटे जो दूसरी सैलरी पे कर रहे होते हैं, मैनेजर की सैलरी, मैंने ऐसे जिसमें कोई चीज ऐड नहीं की, यानी कि जो मेरे जनरल एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इज दैट क्लियर. कोई सवाल है तो जल्दी से पूछे, इनफैक्ट मिलकर अगर सवाल है ना तो जरा उसको लिख लें अपने पास, मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में आपसे वो पूछ लूंगी, ठीक है. वैसे कोई सवाल है, यस या नो कर दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कोई सवाल था भी नहीं, ठीक है, चले वेरी गुड. इधर तक ही रखते हैं क्लास को, आप फॉर्मेट में चले, आप रिकॉर्डिंग से या तो देख लीजिएगा, ठीक है, इसका दोबारा अगर किसी से कोई मिस आउट हो गया आई हैव टू लीव, सही है. तो कल हम इंशाल्लाह फिर थोड़े से इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, पास्ट पेपर्स में सवाल आ चुके हैं इसके, वो हम देखेंगे, कोई डिस्कशन होगी, एडिशनल एक दो चीजें मैंने आपको बतानी है, वो सवाल हम इंशाल्लाह करेंगे तो उसमें वो फिर रेज हो जाएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगी, ठीक है जी. चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़.